बंद कमरे में अब ये साइको अधिक सच करेगा अनुपमा के डर को। कैसे बचेगी पाखी और कैसे बचा पाएंगे मान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की कड़ी देख के डर गई मैं, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। अनुज ने कहा सेंसिटिव मुद्दा है तो मुद्दा है, मगर अनुज ने तो सिर्फ एब्यूसिव हस्बैंड की बात की थी, यहां पे तो एक साइको लवर की बात हो रही है जो बंद कमरे में कुछ भी कर सकता है और वो जो कुछ भी करेगा उसका असर सीधा पाखी पे होगा। और पाखी इस समय किसी और ही टेंजेंट में है, वो इस प्यार को प्यार ही समझ रही है। तो अब दोस्तों जो भी होगा बहुत ही खतरनाक होने वाला है और यहां पे बहुत ही जरूरी है संभल कर चलना और यहां पे बहुत ही जरूरी है इस पूरे ट्रैक को ध्यान से देखना, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में भी आम लाइफ में भी हम ऐसे लोगों से आमना सामना करते रहते हैं, तो हमें इस चीज को डिटेल से समझना चाहिए। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अधिक तो वैसे ही बहुत खतरनाक था, जिस तरह का वो बिहेव कर रहा था वो खतरनाक ही था। पाखी प्यार में अंधी है इसलिए उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है, एक ही डायलॉग है शादी बचानी है शादी बचानी है, और इस चक्कर में वो कुछ नहीं समझ पा रही है। वो सोच रही है जितना प्यार मैं अधिक से करती हूँ अधिक भी मुझसे करता है, मैंने अधिक से माफी मांगी थी एक चांस मांगा था, अब अधिक ने मुझसे मांगा है तो मैंने भी उसको चांस दे दिया, तो अब हम एक अच्छी लाइफ जिएंगे। तो दोस्तों पाखी के सारे ये वहम जो है वो दूर हो चुके हैं हमारी नजरों में, मगर पाखी अभी इनको समझ नहीं पा रही है। तो पाखी आज जो कहती है कि मैंने अपनी बड़ी शादियां टूटती देखी, अपने घर पे रिश्तों को ऐसे देखा है वैसे देखा है, मगर ये पाखी कह क्या रही है ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि जहां भी उसने रिश्ते टूटते देखे वहां रिश्ते बनते भी तो देखे हैं। तो ये तो पाखी की अपनी अप्रोच है जो उसी नेगेटिव चीज को एब्जॉर्ब करके बैठ गई है। तो जितना अनुपमा ने रिश्तों के लिए इन्वेस्ट किया है, जितना उसने रिश्तों के लिए काम किया है, उससे तो पाखी को अब रिश्तों के लिए बहुत काम करना चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी और बढ़नी चाहिए थी, मगर उसके अंडरस्टैंडिंग का लेवल तो माइनस चला गया है। आज अधिक की हरकत बहुत ही खराब थी दोस्तों। अधिक ने आज एक नकाब पहना, एक और नाटक अधिक ने शुरू किया जो है साइको लवर का, और साइको लवर तो वैसे ही बड़े डेंजरस होते हैं, और जब ये नाटक कर रहे हैं जानबूझ के साइको लवर बन रहे हैं तब तो और भी ज्यादा डेंजरस, क्योंकि अपना रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में होता है कि कब मुझे पाखी के साथ ऐसा बिहेव करना है, कब उसे टॉर्चर करना है, कब उसको कहना है कि ओ हो पाखी मैं ये नहीं करना चाहता था, मुझे माफ कर दो, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, जैसा आज उसने शुरू कर दिया, तो ये बहुत डेंजरस है। और मुझे लगता है कि हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसी एग्जाम्पल सामने आई होगी जिसने हमें यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये पढ़ी लिखी लड़की है ये ऐसा क्यों कर रही है। मेरी जिंदगी में आई है दोस्तों एक एग्जाम्पल जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि आज ये ट्रैक देख के मैं उस टाइम पे चली गई जब मैंने उस लड़की को जो मेरे ही साथ पढ़ती थी यूनिवर्सिटी में, और उस लड़की को मैंने देखा है ऐसे साइको लवर के साथ। आप बिलीव नहीं करोगे कि वो खुद एक अच्छी पढ़ी लिखी नर्स थी, अच्छा कमाती थी, अच्छा उसका घर बार सब कुछ अच्छा था, मगर एक ऐसे लड़के के प्यार में पड़ गई जो कि इंटेलेक्चुअल था, बहुत पढ़ा लिखा था, मगर उसको अलग अलग तरह की लत थी, ड्रिंक करना सब उस चीज का, उन सबका खर्चा वो लड़की उठाती थी, वो लड़का कोई कमाई नहीं करता था, और प्यार उसको लड़की को बहुत था उस लड़के से, और लड़का भी कहता था कि बहुत प्यार है, मगर पब्लिकली उसको अब्यूज कर देता था, लड़की कुछ नहीं बोलती थी, प्यार था। मुझे उस समय भी ये प्यार समझ में नहीं आया, और हद तो तब हुई जब एक दिन वो मेरे पास बैठी थी तो उसकी जो ये कलाई होती है उस पे सिगरेट के निशान थे, तो मैंने उसको पूछा, उसका नाम तो नहीं लूंगी मैं, मैंने उसको पूछा कि ये क्या है, ये कहां से पड़े निशान, तुम स्मोक करती हो क्या करती हो, बोलती नहीं ये एक्चुअली हम लोग रात को थे तो उसको मजा आ रहा था तो ये उसने मेरे साथ किया,
बहुत पेन तो हुआ मगर मुझे बहुत प्यार करता है। मैं दोस्तों हैरान हो गई और एकदम मैंने उसको देखा कि ये शी इज ह्यूमन बीइंग और व्हाट, कि ये क्या बोल क्या रही है। उसके सामने उसके एब्यूसिव लवर, साइको लवर की चोटों के निशान हैं जो उसने उसको दी है, और उन चोटों को भूल गई है वो। उसका प्यार इतना ज्यादा है उसके साथ कि वो सब चोटों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। शादी नहीं हुई थी उनकी, यूनिवर्सिटी में थे हम सब लोग, हम सारे ग्रुप में हमने ये बातें की, सबने उस लड़की को समझाया मगर वो लड़की समझी नहीं दोस्तों, और आखिरकार एक दिन वही लड़का उसको डिच करके चला गया। तो ये साइको लवर्स जो होते हैं ये बहुत डेंजरस होते हैं, इनको ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और यहां पे ये जो अधिक निभा रहा है रोल, वो अधिक जो है अब एक नाटक कर रहा है, वो पाखी के साथ बंद कमरे में वो सब करेगा जो सोच सोच के अनुपमा डर रही है कि मेरी बेटी, मेरा ऐसा फूल सी बेटी, सब सोच के डर रही है। और अनुपमा का डर जायज है दोस्तों। और जहां तक रहा मान का सवाल, अनुज और अनुपमा क्या करेंगे, अब उनको भी जिस हिसाब से अधिक चल रहा है, जिस हिसाब से अधिक अपना वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को शो कर रहा है पाखी के सामने, वो पाखी के सामने ऐसा बनेगा कि अच्छा पाखी को एक टाइम पे पूरा यूज करेगा, मारेगा, जो भी करेगा, उसके बाद पाखी को कहेगा कि ये सब मुझसे इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे मेरे से सब कुछ छिन गया है, मुझसे ये ऑफिस चला गया है, मैं बिल्कुल रोड पे आ गया हूं, मैंने ये नहीं चाहा था, मुझे ये सब कुछ चाहिए, मुझे वो प्रोजेक्ट चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, और अपने आप को मारने की भी कोशिश कर सकता है पाखी के सामने। तो ये वाली भाषा यूज करेगा साइको लवर्स की और पाखी को एक्सप्लॉइट करेगा बुरी तरह से, इमोशनली भी, मेंटली भी और फिजिकली भी। और ये सब होगा अनुज कपाड़िया के घर के अंदर। और अनुज और अनुपमा अब इस मामले को बहुत ही सेंसिटिवली लेंगे, वो अपनी जमीन जायदाद सब कुछ लगा देंगे दाव पे पाखी को बचाने के लिए। और इसको कैसे करना है ये तो आने वाले ट्रैक में हमें पता चलेगा, मगर उनके लिए एक ही होगा टारगेट कि पाखी को इस अधिक से बचाना है। और इसमें अनुज और अनुपमा के साथ मिलकर जो काम करेगा वो होगा रोमिल। तो मुझे ये पूरा जो है दिख रहा है कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, मगर इस सारे के सारे ट्रैक में पाखी को बहुत पीड़ा होने वाली है, और अगर पाखी को पीड़ा होगी तो उसके मां बाप को भी पीड़ा होगी दोस्तों। तो ये साइको लवर वाला ट्रैक जो आया है ये बहुत पेनफुल होने वाला है, आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही जो है दिल को छूने वाला जो ट्रैक है, और इसका हल क्या निकलेगा उसका इंतजार मैं भी कर रही हूं। तो आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।